हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। अभी हम छत पे थे, छत से ब्लॉग स्टार्ट किए क्योंकि आज पेड़ इन सब पौधों का कटिंग किए हैं। ये सब बहुत बढ़ गया था। ये देखिए गुलाब का भी बहुत फैल गया था और बेकार सब बहुत सारा डाली था जिसमें अब नया फूल नहीं आता, तो उन सबको काट के हटा दिया। अभी सुबह से ये सब कटिंग छटिंग कर रहे थे, अब जा रहे हैं रसोई में। किचन में बच्चों का दलिया सबसे पहले बनाते हैं। पहले तो मखाना भूज तो थोड़ा एक मुट्ठी दे के सिद्धि को बैठाए हैं, खा रही है। बाकी ये इन लोगों का दलिया बना रहे हैं, थोड़ा गाजर, थोड़ा सा घीस के, थोड़ा लौकी, ये सब दे के इन लोगों का दलिया भी सेट करेंगे। और काबली चना पहले ही हम उबाल के रख लिए हैं, अभी छोले और पराठा नाश्ता में बना देंगे। इन लोगों का दलिया रख दिए क्योंकि सुबह सुबह हम चाहते हैं एक बार सवेरे सुबह के, अभी तो दूध दूध पिए, कुछ कुछ खाएगी, केला है, अनार है, या फिर ये मखाना, ये सब खाएगी, फिर खाती है 9 साढ़े 9 बजे तक। तो एक बार सॉलिड खाना इन लोगों को दलिया भरपेट खिला देते हैं तो ठीक रहता है। और ये भी पटल भी काटे, आलू पटल का सब्जी भी बनाएंगे दाल चावल के साथ। सिद्धू रानी को दिखाते हैं क्या कर रही है। रिद्धि तो चली गई है घूमने फिरने नीचे, सिद्धि को देख लीजिए, एक मोबाइल देख रही है, खा रही है। सिद्धू प्रणाम करो तो सभी को बेटे, बेटू चलो तो बेटा दादी को प्रणाम करो। नहीं करेगी, खुश नहीं, छोड़ दी, गुस्सा हो गई सीधी, सीधी गुस्सा भी हो जाती है आजकल। गई है छोटा बाबू बनी है तुम, छोटा बाबू बन गई है। सिद्धू रानी टाइम पास करवा रही है पापा के साथ। और रिद्धि आई नहीं है, मेरा छोला बन गया है, अब पराठा बनाना है जल्दी जल्दी, तो बना ही लेते हैं। गैस पे रखे हैं तवा तो कर लेते हैं, क्योंकि पराठा थोड़ा बनेगा, सब लोग खाएंगे नाश्ते में। तो खाना खा रही बेटा, पापा साथ खा रही है तुम, खा लो। रोटी में सब्जी लगाएगी तब खाएगी, ऐसे नहीं खाती है खाली टुकड़ा, भले थोड़ा सा टच कराएगी लेकिन उसके बाद ही खाती है, खा लो। रिद्धि सिद्धि दोनों देखते हैं नहा के गई है, क्या क्या सामान ला के फेंकी है, गिलास तो मल नहीं मिल रही है। इसी पे बैठ के आजकल नहाने सीख ली है, टेबल पे बैठेगी और पानी डालते रहेगी। नहाई दोनों, इतना रोई धोई फिर सो भी गई, तो ये तो हम जानते ही हैं कि नहाने के बाद तुरंत ये लोग सो जाएगी, तो नहला के दोनों को सुला दिए। अब मेरा है थोड़ा सा बर्तन तो धो के हम भी नहाने जाएंगे। मेरी तो सिद्धि रानी इधर सो रही है, इसके पापा निकल गए हैं, दादी रहेगी, हम लोगों के पास नाश्ता वास्ता हो गया है माँ का भी, तब तक हम नहा धोवा के आ जाएंगे। तब फिर मेरा रह जाएगा आलू पटल का सब्जी और दाल चावल, ये सब। बाकी भी दूध हुआ है, दूध ठंडा होकर दे देंगे ताकि थोड़ा देर में लोग पिएगी। अभी हम भी नहा के आए और पता है अभी नहा के पूजा घर में जैसे ही आए ना, पूजा घर से एक तितली, वो तितली नहीं है, तितली से थोड़ा अलग टाइप की है, तितली ही है, क्या है पता नहीं, आप लोग भी देख लीजिए। और ऐसा लग रहा है जैसे ओम लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए एकदम ओम जैसा, ऐसे पूजा घर से निकल के गई है। ये देखिए मेरा तो पूरा देह हाथ गनगना गया देख के, बाकी और पूजा कर ही रहे थे, जैसे इधर हाथ बढ़ाए सिंदूर का ये लेने ना, तो इधर ही कहीं से फड़फड़ा के निकली, तो अभी हम देखें उसको ना ध्यान से कि क्या निकला। तो वो एकदम ऐसे दिख रहा है जैसे कि इसके ऊपर ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो भी हो चलो प्रणाम कर लिए हम, पर अब आगे पूजा करते हैं फिर, क्योंकि खाना उना नहीं बना है मेरा, सब्जी उब्जी तो जल्दी जल्दी करना होगा, दोनों सो रही गोलू लोग। आज तो पूरा मेरा काम लटपट हो गया है क्योंकि अभी आलू परवल का सब्जी बना रहे हैं। सिद्धि रानी जग गई, कुकर में दाल सेट करके रखे हैं, अरहर दाल थोड़ा सा भून के आज बना रहे थे, और सिद्धि रानी जग गई, फिर उसको थोड़ा देर चुप कराए, हालांकि वो सोती पता नहीं कैसे उठ गई खटर पटर सुन के। और लेकिन अच्छा बात यह है कि उसके पापा भी आ गए, और जब उठी थी तो पहले से खेल रही थी शिवम के साथ, दादी भी थी, देख रहे हैं।
उठ के इतना रोई दे लिया एक चटकन तो शांत हो लीजिए। अकेला खा रही है। ओहो, ये सब कौन ये अभी सो ही दिया? रही है। पता कौन दिया? क्या? है वो किला अभी भी बरकरार है उस जगह पे, लेकिन हम भी तो छोड़े नहीं ना इसको। हम क्या किए, इसका एक फोटो निकाल लिए, फिर उसको जूम किए, जूम करके देखे तो वो कुछ डिजाइन बना हुआ है, ओम ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्लियर। तो ये है बस पूजा घर में, लेकिन दूर से एकदम साफ ओम दिखता है ऐसे देखने से दूर से, लेकिन जब हम इसको मोबाइल में जूम करके देखे तो वो था, उसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है, तो पत्ता दोनों तरफ एक जैसा। भगवान जी तो क्या क्या करते हैं, कैसा उनका रचना है देख रहे हैं, मतलब दोनों तरफ बराबर है एक जैसा, थोड़ा इधर बढ़ा ना इधर कम, सोचिए इतने छोटे छोटे जीव के ऊपर इस तरह का कलाकारी, तो भगवान का ही यह है खेल है, ऊपर वाले का ही महिमा है। जल्दी मेरा दाल भी बन गया, थोड़ा सा रिदी रिदी के लिए चोखा बना देते हैं दाल चावल में देने के लिए, और चावल भी गैस पे रखे हैं। सिद्धि सिद्धि खेल रही, सिद्धि बहुत बदमाशी करती है, एकदम चिपक जाएगी तो छोड़ने का नाम नहीं। आज इसको दिए हल्का से ही दिए, ज्यादा जोर से नहीं, डराने के लिए खाली थप्पड़, उसके बाद से एकदम सीधा है, देख ना छुप रही है अभी, अभी खेल रही है रिद्धि के साथ, लेकिन ये मैं हमको देखने के बाद मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। वो खाली रैपर है, उसमें नहीं है चॉकलेट उकलेट। ये देखिए मेरी दीदी रानी चोटी कराने में कितना बदमाशी करती है, चोटी कलाना ही नहीं चाहती, देख लीजिए दीदी कैसे गुस्साती है कंघी कराने से, और मिक्सी का जार दे के बैठाएं ताकि ये जल्दी से कंघी करा ले। शाम हो गया है, 5 बज गया है, तो अब थोड़ा सा बाल बाल इसका ठीक कर देंगे तो जाएगी नीचे घूमने। सिद्धि तो सो रही है अभी, और हम भी ब्लॉग को एंड करते हैं, कल एक ब्लॉग में मिलाते हैं आप लोगों को बच्चों से, तब तो तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सबको थैंक यू बोलो, तो उधर मोबाइल में देखो, उधर देख के बोलो तो बाय बाय कर दो, तो बेटा रिद्धि रिद्धि बाय बाय कर दो कम से कम, जिधो उधर देखो वीडियो ऑन है उधर देखो, नहीं देखेगी, बाय बाय।